See you, bye. उल्लू टाटा भाभी अम्मी जा रहा हूँ मैं अब दादू जा रहा हूँ मैं मेरी सुपारी हाँ हाँ ले आऊंगा चलिए अल्लाह हाफिज अरे वो देख फैजल निकल अरे नहीं चला है गाड़ी को वापस साफ कर रहे हैं। इतनी सफाई करते मैंने इसे कभी नहीं देखा। अभी देख तू ऊपर देखेगा। हाँ। फैसल मियां, कुछ आगे नहीं। यूं ही दूर से देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं तो साफ कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तुम तो रोज यूं ही आकर खड़े रहते हो यहाँ। हाँ, पहली मंजिल पर नजरें ताड़ के, नहीं? फैसल मियां अपने प्यार का इजहार कर लो माशूका से वरना उम्र भर कुंवारे रह जाओगे समझे हाँ हाँ ठीक है मैं मुझे भी ऑफिस जाना है यार लेट हो रहा है ओके चल बाय जा रहा है भाई कुछ नहीं दादू कुछ नहीं बस ऐसी काम फैजल इधर आना आया भाभी जी भाभी वो ऊपर वाला बैग निकाल दे तेरे भाईजान की ट्रिप की पैकिंग करनी है क्या बात है फैजल आजकल तू बड़ा चुपचाप बैठा रहता है पता नहीं उस किताब में क्या लिखता रहता है अभी एक लड़की है अपने सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती है फातिमा नाम है उसका मैं सोचा था अगर आपको पसंद आ जाती तो आप अम्मी और अब्बू से बात कर लेते कि अच्छा जी तो ये बात है फातिमा वही अशफाक अंकल की बेटी ना जी जी वही पर फातिमा मुझे पसंद नहीं है तो भाभी फिर मजाक कर रही हूँ भाभी आप भी ना तू तो बड़े छुपे रस्तम निकले फिकर मत कर अम्मी अब्बू से मैं जरूर बात करूंगी yes. आखिर वो भी तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहे हैं जी खुश हो जाएंगे भाई अशोक मियां हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है रहा सवाल हमारे साहबजादे का तो इन्हें तो आपकी बेटी काफी महीने पहले ही पसंद आ चुकी है इस रिश्ते से हम तो बहुत खुश हैं इकबाल भाई अगर आपको ठीक लगे तो इंशाल्लाह आती जनवरी को इन दोनों का निकाह कर दें भाई माशाल्लाह नेकी और पूछ भाई आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनकर आए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है बस आप तो बिस्मिल्लाह कीजिए फातिमा मैंने तुम्हारे लिए एक पोयम लिखी है पता नहीं
कैसी है, पर तुम सुनोगी? हाँ सुनाओ ना। पहली बार तुमको जब देखा था हमने। एक्सक्यूज मी, ये हमारी जगह है, आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे। नहीं बैठ सकते मतलब? यहाँ तो कोई भी बैठ सकता है। बुकिंग होगी ना तो ही बैठ सकते हो। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आता है ना पता है, आए पड़े इश्क लड़ाने। फातिमा चलो यहाँ से, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। ए सही तो बोल रहा है अच्छी। इधर क्या है ना संजू भाई, यानी कि अपुन का अफा एरिया में बुकिंग चलता है। नो बुकिंग नो सिटिंग। लगता है मुंबई में नया आया है। ए तुम लोग वहाँ जाके बैठो। मुंबई में क्या है ना, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, छोकरी मिलेगा, लेकिन अगर दो लोग बैठ के मोहब्बत करने को मांगता है तो किधर। इसी वास्ते संजू भाई ने एकदम झकास सिस्टम बनाया है, बोले तो एक नंबर। इस एरिया में क्या है ना अपना बुकिंग चलता है, ना पांडू लोगों का मच, ना लड़कों का, बस बैठ के इंजॉय। क्या देख, मुंबई में गर्दी इतना है ना कि अपना धंधा तो चकाचक चल रहा है। ए रिलैक्स हो जा, मैं तेरे को बुकिंग देता है। ओए तेरी तो निकल पड़ी रे, फरवरी 15 यानी वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद, मांगता है तो बोल। आपका मतलब है कि 2.5 महीने से पहले हम यहाँ आ ही नहीं सकते? नहीं आ सकते हो लेकिन बैठ नहीं सकते। क्या मांगता है क्या? नहीं थैंक यू। चलो फातिमा। कैसे हैं? खैरियत आओ ना। फैजल, मुझे जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ फातिमा अजीब तो है, पर मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहता था, फिर सोचा कि अगर तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना है तो यहाँ आना पड़ेगा, पर वैसे भी हम थोड़ी यहाँ। चलो ना वहाँ बैठते हैं। मेरी पोयम सुनाओ ना। पहली बार तुमको जब देखा था हमने। पुलिस देखा, मम्मी डैडी को बोलता है कि पढ़ाई करने जा रहा हूँ और यहाँ आके चुम्मा चाटी छोड़ो। चलो भागो। ओ बरतो का ये बिट्टू डंडा बिट्टू डंडे लेके भाग रहा है। साहेब सॉरी साहेब, हम लोग तो बैठ के बातें कर रहे थे साहेब। ओ रियली? मैं तो यहाँ इवनिंग वॉक करने के लिए आया था। सब समझता हूँ मैं, यहाँ कौन किस लिए आता है। हाँ चल लगा। इसके मम्मी डैडी को फोन लगा, मैं बात करना चाहता हूँ। साहेब साहेब इसका कोई मिस्टेक नहीं है साहेब, जाने दो ना साहेब, समझो ना। तू अच्छा लड़का लग रहा है, एक काम कर, वॉलेट में कितना है ना, गिव इट टू मी। साहेब वॉलेट में तो साहेब 800 रुपए है साहेब, अभी पेट्रोल भराने का है, खाना खाने का। तू रख अपने पैसे, मगर पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चल चल तू पुलिस स्टेशन चल। साहेब एक काम कर साहेब, तू बैठ इधर, मैं जा। हां चलो ओके चलो बाय साहेब। चाबी? हाँ चाबी ये ले, चलो बाय। आ जाओ। तुमने पक्का पता किया है ना? मुझे तो लग रहा है फिर से पुलिस आ जाएगी। अरे मैंने सब पता कर लिया है, इस वक्त गार्डन बंद रहता है। आइए साहब, इमरान भाई के दोस्त ना। हाँ हाँ आपकी बात हो गई ना इमरान से? हाँ मेरी उनसे बात हो गई थी, टेंशन की कोई बात नहीं है, पार बिल्कुल खाली, आप मजे करो बस। हाँ हाँ ठीक है, आप ज्यादा मत बोलिए, पैसे ले लीजिए। ये सब क्या है? अरे बाबा सिर्फ गेट खोलने के लिए पैसे ले रहा हूँ उससे, और कुछ नहीं। चलो चलो साहब, थैंक यू। कितनी प्यारी जगह है ना। बहुत अच्छी है सच में। यहाँ बैठे सर। आखिर हमें थोड़ा वक्त मिल ही गया। मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें सीधा निकाह के बाद ही मिल पाऊंगा। अच्छा पोएम तो सुनाइए।
पहली बार तुमको जब देखा था हमने। अल्लाह क्या हुआ मेरा भाई समीर? तुम्हारा भाई अगर उसने देख लिया तो हालत बुरी हो जाएगी। चलो जल्दी। कैसे हो? बस खैरियत। चलो ना। तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? अरे आज आज रिक्शा में जाएंगे। किधर जाने में? सीधा लेना। एक काम करो बांद्रा चलो। बांद्रा क्यों जाना है? बांद्रा भी कुछ नहीं है, बस इसे कहीं ना कहीं तो लेकर जाना पड़ेगा। अब इतनी सारी जगह घूमने के बाद एक बड़ी सेफ और बहुत अच्छी जगह मुझे मिली है जहाँ हम बैठ कर अच्छे से बातें भी कर सकते हैं और हमें कोई ढूंढ भी नहीं सकता। कहाँ? यही इसी ऑटो में। और कहाँ? तुम तो मुझे ये पोएम सुनाने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो। आखिर ऐसा भी क्या है इसमें? नहीं नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, बस सोचा तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और फिर यहाँ इतना शोर है मैं तुम्हें अपनी पोएम सुना भी नहीं पाऊंगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। गाड़ी रोकिए, आप गाड़ी रोकिए। बाहर आओ, बाहर आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे थे अंदर? मैं क्या कर रहा था? फोन दीजिए मुझे। फोन क्या? फोन तोड़ना नहीं, तोड़ना फोन नहीं, तोड़ना फोन नहीं, तोड़ना। ये हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं? मैं क्या कर रहा था? नहीं आप रिक्शे में ऐसा कर रहे हैं, आपको नहीं शर्म आ रही? ज़बान लड़ा था अभी अभी। फोन आपका? फोन तोड़ना नहीं, फोन नहीं तोड़ना, फोन नहीं तोड़ना, तोड़ना नहीं फोन, फोन तोड़ना नहीं। फातिमा, फातिमा आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं तो बस इतना चाहता था कि हम दोनों शादी से पहले थोड़ा वक्त एक साथ बिता सकें ताकि एक दूसरे को समझ सकें। छोड़ो ये सब, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और सच कहूँ तो मुझे तो खुशी है कि तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ कि तुम बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करते हो। जी दादू। भाई आजकल देख रहा हूँ मैं कि तुम बहुत खोए खोए रहते हो। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है दादू। अरे अपनी होने वाली बेगम से मिल तो रहे हो ना दादू? बूढ़ा जरूर हो गया हूँ मैं, लेकिन कभी तो जवान था मैं भी। सब समझता हूँ मैं। शादी के बाद तो बहुत वक्त मिलता है, मगर बरखुदार शादी से पहले इश्क करने का जो मजा है फिर नहीं है। आप क्या कह रहे हैं दादू? मैं आप देखो कल शाम को उसे घर पर बुला ले। पर दादू मैं घर पे कैसे ले आऊं, यहाँ सब लोग होंगे दादू। अरे मैं कह रहा हूँ ना बस उसे बुला ले, ले आ तू उसे मेरे कमरे की बालकनी से ना, व्यू बहुत अच्छा दिखता है, फातिमा को जरूर पसंद आएगा। पर दादू आपके कमरे में कह रहा हूं ना जैसे मैं कह रहा हूं वैसा कर बस। मैं ऐसे कैसे तुम्हारे घर चल सकती हूँ, सब लोग होंगे ना वहां पर। अरे तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ। अच्छा यहाँ रुको मैं जरा अंदर देख कर आता हूँ। आओ ना। अरे अंदर पता नहीं कोई है ही नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। आओ कम कर, चलो। वहां दादू का कमरा है, तुम वहां बैठो, मैं अभी आया। कहाँ गए पता ही नहीं सब।
बेगम हमारे अब्बू तो पगला गए, इतने सालों में तो आज तक कभी लेकर आए नहीं। ये आज पता नहीं इन्हें कुल्फी खिलाने का भूत कहाँ से सवार हो गया, वो भी अचानक। ओ दादू जान, आज कुछ खास दिन है क्या? अरे आप लोग भी ना, एक तो दादू जान हमें बाहर घुमाने ले जा रहे हैं और आप दोनों ताने दे रहे हैं। अरे बंद करो उनकी बकवास सब, जल्दी बैठो इसमें, लेट होना पसंद नहीं है मुझे। वाओ कितनी प्यारी जगह है फैजल, देखो ना। अच्छी जगह है ना? हाँ। फातिमा वो पोयम सुनाओ ना। पहली बार तुमको जब देखा था हमने, सारी रात सो न पाए थे हम, इसी ख्याल में कि कब सुन पाएंगे तुम्हारे लफ्जों का तरन्नुम। जब तुमने हमें दी थी वो हल्की सी मुस्कान की झलक, दिल किया सारी कायनात भुलाकर ले चले तुम्हें दूर तलक, जहाँ सिर्फ हो तुम और मैं और मीलों तक कोई नहीं, जहाँ हो तुम्हारी मुस्कान की एक और झलकी। बेइंतहा मोहब्बत करेंगे तुमसे हम, ये वादा है हमारा, रोज एक नए सिरे से इश्क करेंगे, अगर वो बस एक इशारा तुम्हारा। यही है मेरी पोयम। बहुत अच्छी है।